Hi everyone, welcome to my channel Sane's Nest. मैं रूबी सेन आज आपसे शेयर करने वाली हूँ झटपट बनने वाली रेसिपीज जो मैंने लंच में बनाया है. तो मैंने लंच में बनाया है करेला भुजिया, अरहर की दाल और ड्रमस्टिक की एक सिंपल रेसिपी और आलू पोस्तो. आलू पोस्तो मेनली बंगाली के घर में बनता ही है. ये वेरी कॉमन रेसिपी है और हर बंगाली के घर में आलू पोस्तो बनेगा ही. डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे ये बनेगा ही. तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये सब रेसिपीज. आलू पोस्तो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ये वीडियो, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए. और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए. अरहर दाल को मैंने चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए, और कढ़ाई भी चढ़ा दी है करेला भूनने के लिए. ये कढ़ाई मैंने कल परचेज किया है. ये प्योर स्टील की कढ़ाई है और प्रोडक्ट है SSIB कढ़ाई. 14 इंच डायमीटर है और 3 लीटर्स है. इसका MRP 590 है पर 477 में ये मिला है मुझे. हैवी बॉटम है ये, मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है. कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसके बाद ड्राई रेड चिली और 5 फोरन डाला है. फिर जैसे क्रैकल होने लगे तो उसमें मैंने करेला डाल दिया है. करेला को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद उसमें मैंने स्वाद अनुसार सॉल्ट मिलाया है और टर्मरिक पाउडर. ढक के अच्छे से फ्राई करना है उसे, और बीच बीच में मैं दाल को भी देख रही हूँ कि वो बॉयल हुआ है कि नहीं. करेला फ्राई मेरा बन गया है, अभी इसे मैं निकाल रही हूँ बाउल में. कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और अगेन ड्राई रेड चिली, उसके बाद मैं इसमें अनियंस डालूंगी, 1 लार्ज अनियंस. अनियंस फ्राई होने के बाद ही मैं उसमें पोटैटोज डाल दूंगी. इसमें 4 या 5 लार्ज पोटैटोज हैं जिसको स्मॉल डाइस्ड किया हुआ है. स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है फुल फ्लेम में. पोटैटोज थोड़ा जब फ्राई हो जाएगा तो उसमें टोमेटो ऐड करना है. टोमेटो जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हॉट वाटर डाल के इसको ढक देना है और स्लो फ्लेम में इसको पकाना है ताकि पोटैटोज अच्छे से गल जाए. पोटैटोज जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें पोस्तो डालना है जो कि मैंने पहले से पेस्ट करके रखा था, पोस्तो या खसखस. ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी बनता है, लेकिन आजकल बहुत लोग आलू अवॉइड करते हैं. अगर आपको आलू अवॉइड करना है तो आप इसे सिर्फ अनियन से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनता है. आलू पोस्तो तैयार हो चुका है. अब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऊपर से डालना है, ये ऑप्शनल है.
लेकिन ये जो रॉ स्मेल जो मस्टर्ड ऑयल का है ना, ये बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई कीजिएगा। दाल बॉईल हो चुका है, मैंने कढ़ाई में एक चम्मच घी डाला है, ड्राई रेड चिली, बे लीव्स, खड़ा जीरा, गार्लिक क्रश्ड किया हुआ और थोड़ा सा टोमेटो एंड हींग डाल के मैं इसको तड़का दूंगी। ग्रीन चिली भी डाला है मैंने और लास्ट में गार्निश किया है कोरिएंडर लीव्स से। कोरिएंडर लीव्स मेरे गार्डन का है, मेरे किचन गार्डन का। अगर आप लोग को मेरा किचन गार्डन देखना है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी मेरे पूरे किचन गार्डन टूर का। ये कढ़ाई में खाना चिपक नहीं रहा है, हैंडल गरम नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं खाली हाथ से कढ़ाई को पकड़ रही हूँ। आप सबको पता ही तो होगा कि नॉनस्टिक कढ़ाई या नॉनस्टिक पैन, एल्युमिनियम की कढ़ाई या एल्युमिनियम की जितने भी यूटेंसिल्स है वो सबको अवॉइड करना चाहिए, इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तैयार हो चुका है, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और उसमें वड़ी डाला है। ये वड़ी मैं मार्केट से ही लेके आई थी। वड़ी को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद उसको निकाल के रखूंगी और ऑयल में 5-4 डाल के, और जैसे वो क्रैकल होने लगेगा उसमें ड्रमस्टिक और बैगन को काट के रखी हूँ उसको डाल दूँगी। साथ में मैंने थोड़ा सा मीठा नीम पत्ता या कड़ी पत्ता मिलाया है। मीठा नीम पत्ता हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये डेली आप अगर कोई भी अपने डिश में डालेंगे तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें बहुत कम स्पाइसेस पड़ता है, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। मैंने इसमें ग्रीन टोमेटोज मिलाया है जो कि मेरे गार्डन का ही है, आप रेड टोमेटोज भी यूज कर सकते हैं इसमें। ड्रमस्टिक भी मेरे गार्डन का ही है। वाटर डाल के फिर स्लो फ्लेम में इसे कुक करना है। बड़ी को भी ऐड करके इसे स्लो फ्लेम में कुक करना है।
थाली तैयार हो गया है। इट्स लुकिंग यम्मी। आज का ब्लॉग, जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।